नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक पार्क में खड़ा हूं और ये दिल्ली का वो एरिया है जो कि शहर के बीच पे है। बस लोगों को पता नहीं है कि इस पार्क का इम्पोर्टेंस क्या है। बड़ी बेजान सी जगह है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई ऐसा मेंटेनेंस भी नहीं है। पर अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस पार्क की इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि विकिपीडिया पे पूरा पेज इसके बारे में भरा हुआ है। मैं हूं इस समय कॉरिनेशन पार्क में। ये स्ट्रक्चर आपको, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको वॉशिंगटन डीसी में दिखाई पड़ता है। सेम स्ट्रक्चर आपको दिल्ली के अंदर, हार्ट ऑफ द दिल्ली, बुराड़ी जगह पे, बुराड़ी में आपको ये दिखता है। इसके पार्क की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कि दिल्ली के बारे में फेमस है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी, 7 बार बनी। जब अंग्रेजों ने दिल्ली को बनाया तो 1911 से पहले कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करती थी, पर 1911 के बाद दिल्ली देश की राजधानी बनी और इसी जगह पे अंग्रेजों ने दिल्ली को देश की राजधानी घोषित किया। डिटेल्स मैं आपको इसकी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तब तक आप आज भी यहाँ पे किंग जॉर्ज 5th की स्टैचू लगी हुई है और उनके साथ उस समय के जो भी राजा और वायसराय थे हिंदुस्तान के, उन सब की स्टैचूज यहाँ पे लगी हुई है। जैसा कि होता ही है कि जब किसी चीज का पूरी प्रकाष्ठा पे वो चीज होती है, उसके बारे में बड़ा ख्याल रखा जाता है। पर अब इस पार्क की कंडीशन वैसी नहीं है और ये खराब है। ऐसे इंडियन हिस्ट्री के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, चाहे कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो। सेकंड थिंग, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा दिल्ली दरबार, तो जो पहला, दूसरा, तीसरा दिल्ली दरबार लगा वो इसी जगह पे लगा। और 1947 जब पार्टीशन हुआ तो जो भी कैंप्स लगते थे वो भी यही बुराड़ी के पार्क में लगा करते थे। लोग वहां पे आते रहते। इतनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बाद भी आज आप देख ही रहे हैं, निग्लेक्टेड है। एज ए पर्पल बूट हमारा ये मोटिव है कि हम लोग आपको उन जगह से रूबरू करवाए जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस काफी है पर वो निग्लेक्टेड है, क्योंकि हमारी यही राय है, मनोरंजन वही जो काम आए। थैंक यू।